अहंकार का स्वरूप क्या है, यह किस वस्तु का विकार है। अहम पद से किस वस्तु का ग्रहण होता है और अनहम पद से किस वस्तु का क्या ऐसा है कि मैं घनघोर नींद में सोया हुआ था। अब उस समय न पृथ्वी मालूम पड़ती थी, न अहम मालूम पड़ता था, न दुनिया मालूम पड़ती थी। थोड़ी देर में नींद छूटी और होश आया कि सब कुछ है, मकान है, पेड़ है, पौधा है। नींद टूटने पर पहले होश आया, बुद्धि आई, और फिर उसमें मैं हुआ कि मैं कहाँ हूँ। तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बोध हुआ। प्रकृति के समान सुषुप्ति, महत्त्व के समान बुद्धि और अपने अहंकार के समान अपना मैं और पंचतन मात्रा के समान सृष्टि, यही देख करके कि दुनिया मालूम पड़ने के पहले तो मैं था और मैं भी मालूम पड़ने के पहले बुद्धि थी, बुद्धि भी मालूम पड़ने के पहले नींद थी, ठीक 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 अनुमान हो गया। पंचतन मात्रा का कारण अहंकार है, अहंकार का कारण महत्त्व है, महत्त्व का कारण प्रकृति है। यही इसी प्रत्यक्ष के आधार पर सांख्यों ने अनुमान किया। वो कोई सातवें आसमान में हाथ मार करके निकाल के नहीं ले आए। तो अहंकार जो है ये बुद्धि का कार्य है। बुद्धि में जब मैं यह वाला इतने वेद शास्त्र मैंने पढ़े हैं तो अहम का आभूषण बनेगा, घेरा बनेगा, हमारा ऐसी जाति है, हमारा ऐसा कुल है, हमारे पास इतना धन है, हमारे पास किसी नेता को वोट मिलता है ज्यादा तो पूरा नहीं समाता है, किसी साधु के ज्यादा चेले हो जाते हैं। स्वामी योगानंद जी जो अमेरिका से आए थे, जिनकी चर्चा प्रभुदत्त जी परसों करते हैं, मैं वहीं था तो उन्होंने बताया कि मेरे 1.5 लाख चेले उस समय 1936 में मेरे 1.5 लाख शिष्य अमेरिका में हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। कि चेलों का भी अभिमान होता है, चाम का अभिमान तो एक आंख लगने भर का और बड़प्पन का अभिमान एक चपट लगने भर का, कुछ मूल में नहीं है। और ये प्रकृति से जो महत्त्व या बुद्धि प्रकट हुई वो प्रकृति की जड़ता से अनुगत ही हुई, और प्रकृति की जड़ता जो अहम में आई वो उसकी मूर्खता को बढ़ाती ही रही, और जितनी जितनी मूर्खता को बढ़ाती रही उतने उतना शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा में महत्व बुद्धि होती गई, प्रिय बुद्धि होती गई, आकर्षण होता गया। अब अपने प्रश्न का सीधा उत्तर सुनो। जड़ रूप जड़ता रूप, क्योंकि वो साक्षी का दृश्य है, जड़ता रूप प्रधान में से जो बुद्धि निकली हुई है वो वास्तविक बुद्धि नहीं है, भ्रांत बुद्धि है, और वो अपने कार्य में ममता उत्पन्न करती है। तो अहंता आनी तो चाहिए प्रकृति की ओर से, लेकिन वो ग्रहण करता है उल्टा पंचतन मात्राओं की ओर से। हमने इतनी विद्या पढ़ी है, हमारे पास ऐसे कपड़े लत्ते मकान हैं, हमें देखने के लिए इतनी सुंदरताएं प्राप्त होती हैं, और हम ऐसा ऐसा भोजन करते हैं, हमारे पास इतना गंध है, और इन्हीं पंचभूतों से बने हुए हीरा मोती सोना चांदी का इतने हमारे पास हैं, ये हमारी बुद्धि जो जड़ता क्रांत है, प्रकृति से आक्रांत है, इसके कारण अहंकार होता है। यदि ये चिन्ह मात्र वस्तु का अनुसंधान करे साक्षी,
जिसका न दृश्य में मैं है और न मेरा है, तो अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। रूपो उद्भवो रूप तत प्रतिष्ठो रूपासनो भूत गृहीत रूप स्वयं विरूप स्विचार काले भावत्यहंकार पिशाच निशा। ये अहंकार एक पिशाच है, ये सामने जो दृश्य दिखता है उसमें मैं मेरा करके पैदा होता है और रहता भी इन्हीं पंचभूतों से बने हुए शरीर में और खाता भी पंचभूतों को है और कभी साकार होता है कभी निराकार होता है। सुषुप्ति में निराकार हो जाता है, विचार के समय बिचारा दुबला पड़ जाता है, स्वप्न के समय क्षणिक विषय बनाता है और जागृत में बिल्कुल पत्थरों को इकट्ठा करने लगता है। यदि विचार करो कोई रूप इसका नहीं मिलता है, न अहंकार में वजन है, न अहंकार में लंबाई चौड़ाई है, न अहंकार की उम्र है। ये भ्रांति का कार्य है और जहां भी रहता है, चाहे साधु में महात्मा में, चाहे पीढ़े के मालिक में रहे, चाहे मंडली के मालिक में रहे, ये जो सामने पीढ़ा रखा जाता है ना जिस पर खड़ा, उसी का नाम पीठ है। चाहे वो पीठाधीश्वर में रहे और चाहे 5-7-10 की मंडली बनाकर, वो मंडलेश्वर नहीं होते हैं, मंडलीश्वर होते हैं। मंडल तो धरती मंडल भूमंडल जो होता है ना, इतने इतने भूमि के स्वामी मंडलेश्वर होते हैं और इतने साधुओं के स्वामी मंडलेश्वर होते हैं, मंडलेश्वर। तो चाहे बाबा किसी से अपने में बड़प्पन जोड़ो, अगर बड़ी चीज है तो एक ईश्वर है, उसके साथ जितना निकट का तुम्हारा संबंध है। कार को छोड़ो, अहम को रहने दो, और अहम को छोड़ो, केवल परमात्मा को रहने दो। जब तुम्हारा मैं मर जाएगा, परमेश्वर रहेगा। रोज प्रार्थना करो, हे प्रभु, प्रभु तू जीवे मैं मर जाऊं, प्रभु तू जीवे मैं मर जाऊं। धर्मदास को एक भरोसा है कि हमारा मैं मर जाए जो परिच्छिन्न है और अनंत जो प्रभु है सदा सर्वदा अविनाशी अचल चेतन सच सुखराशी अद्वितीय, बस वही वही रहे। होने पर भी चित्त उदास को परोक्ष ज्ञान होने पर भी अगर प्राप्ति का स्पष्ट भाग न होता हो तब क्या है? देखो, अपना अपमान करके तो तुम भौतिक उपलब्धियों में लगे हुए हो। जब तक कोई चेतन का अपमान नहीं करेगा तब तक भौतिक वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि, उपाधेय बुद्धि, प्रिय बुद्धि कैसे हो? एक बहुत बड़ी वस्तु की जो जगमग जगमग जगमगाती है, झिलमिल झिलमिल झिलमिलाती है, जिसकी रोशनी से सब रोशन हो रहा है, जिसके बिना ईश्वर भी नहीं मालूम पड़ सकता, जिससे ईश्वर मालूम पड़ता है, ऐसे अद्भुत अनिर्वचनीय वान मनसा गोचर प्रकाश का तिरस्कार करते बाहर की वस्तुओं में लगा हुआ है। किं तेन कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहारिणा असुरजा नाम से लोका अंधेन तमसावृता पाप से प्रेत्यादि गच्छन्ति जे के चात्महनो जना। उसने तो आत्महत्या कर दी है, प्रश्न का रूप भूल गया। हाँ, भौतिक उपलब्धियों से कुछ भी मिलेगा, कोई अर्थ जन्य भोग जन्य संग्रह जन्य कोई सुख मिलेगा, ये आशा बिल्कुल दुराशा है। आज तक न कभी किसी को मिला है, ब्रह्मा भी दुखी रहे हैं और मार खाते रहे हैं और पिसते रहे हैं भौतिक उपलब्धियों में। रुद्र को भी काम से व्याकुल होकर मोहिनी के पीछे पीछे घूमना पड़ा है। भौतिक उपलब्धियों के पीछे विष्णु को भी वृंदा की चिता के भस्म पर लूटना पड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये भौतिक उपलब्धियां जब सुखी नहीं कर सकते हैं,
तब ये तुमको भौतिक उपलब्धियां सुखी करेंगी, इसकी तो आशा बिल्कुल छोड़ दो। यदि सारे त्रैलोक का राज्य तुमको मिल जाए, सबकी हुकूमत तुम्हारी हो जाए, सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाए, तब भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। दूसरा अंश इसका है, पहले तो यही बात है कि ज्ञान सदा अपने हृदय में होता है, आत्मनिष्ठ होता है। ज्ञान को कभी आले में रख के आओ तो, किताब आले में रख के आ सकते हो, तिजोरी में रख के आओ, लाइब्रेरी में रख के आओ, ज्ञान का विषय जहाँ परोक्ष होता है वहाँ ज्ञान में परोक्षता का आरोप किया जाता है। जहाँ ज्ञान प्रत्यक्ष होता है वहाँ ज्ञान में प्रत्यक्षता का आरोप होता है। जहाँ ज्ञान परोक्ष होता है, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, काम का, क्रोध का, लोभ का, भोग का, वहाँ ज्ञान को अपरोक्ष कहा जाता है। और जहाँ किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है, स्वयं तत्त्वम स्वयमेव जृम्भते, अपने आप को ज्ञान को साक्षात अपरोक्ष कहा जाता है। ज्ञान में न प्रत्यक्षता है, न परोक्षता है, न अपरोक्षता है। ज्ञान में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। विषयगत जो भेद है उसका आरोप करके ज्ञान को परोक्ष अपरोक्ष कहा जाता है। तो अभी तुमको जो अपने पास है, जो अपना आपा है, उसका ज्ञान नहीं है। किसी दूसरी चीज का ऐसा ज्ञान है जो तुमसे अभी दूर है, जिसके मिलने में देर है, जिसको तुम देख नहीं पाते हो, जो दूसरा है उसके ज्ञान को तुम परोक्ष ज्ञान कहते हो। गोली मारो उस दूसरे को और रह जाओ तुम, देखो ज्ञान में परोक्षता कहाँ से रहेगी। हो बाह्य स्पर्श का अर्थ सभी इंद्रियों से जो विषयों के सुख का आस्वादन है, जिसको दूसरे अध्याय में मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय सातवें अध्याय में, छठे अध्याय में बाह्य स्पर्श हो सकता, छठे अध्याय बिंगत्यात्मन यत सुखम सब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय अश्वते। तो बाह्य स्पर्श में क्या दोष है ये दूसरे अध्याय में बता दिया। जो चीज आज ठंडी लगती है वो कभी गर्म लगेगी, आज ठंडा अच्छा लगता है तो कल नहीं लगेगा, आज गर्म अच्छा लगता है कल नहीं लगेगा। यदि किसी नियत विषय में सुख होता तो ठंडे में सुख होता तो जब जब ठंडा मिलता तब तब सुख ही होता, और गर्म में सुख होता तो जब जब गर्म मिलता तब तब सुख ही होता। और सबको ही सुख होता या दुख होता, तो शीत उष्ण सुख दुख का नियम मात्रा स्पर्शों में नहीं है, मानो विषयों में नहीं है। कोई कोई मात्रा शब्द का अर्थ विषय करते हैं, कोई भोग भी करते हैं, इंद्र भी करते हैं, परंतु आगमापायनो नित्यास्वास्थ्य शिक्षा स्वभारत, ये कभी आते हैं कभी जाते हैं, मान काल में भी इनका निश्चय है, विषय के रूप में भी सुख दुख निश्चित नहीं है और काल में भी सुख दुख निश्चित नहीं है, अनित्य है। तो इनका आना सर्वथा रोक दिया जाए तो ये भी संभव नहीं है। तास्तिक्षत्व भारत है, गर्मी आवे तो गर्मी, सर्दी आवे सर्दी सह लो, सुख के निमित्त आवे तो सुख सह लो, दुख के निमित्त आवे तो दुख सह लो। सुख में भी लोग पागल हो जाते हैं,
सुख सहन करने के लिए शक्ति नहीं होती। रशिया में जब वहां का सबसे बड़ा अधिकारी बना लेनिन, पहले लोहार था, जब सबसे ऊंचे पद पर उसको बैठाया गया और उसकी मां देखने गई तो देखते ही उसका हाथ फैल गया, क्योंकि उतना बड़ा सुख सहन करने की शक्ति उसके अंदर है। देवताओं का शरीर भी इसीलिए बनाया गया है कि देवताओं को जो सुख मिलता है वो सहन करने की शक्ति मनुष्य के शरीर में नहीं है। नरक भी इसीलिए बनाया गया है कि जितना दुख नरक में मिलता है उतना दुख सहन करने की शक्ति मनुष्य के शरीर में नहीं है। इसलिए जो विषयों का ग्रहण है उसमें न विषय में निश्चित सीख है, न इष्ट है, न सुख है, न दुख है। काल में भी आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, और यदि हम चाहें कि बिल्कुल उनको हटा दें हमें नहीं, तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए जो एक कुलीन व्यक्ति है, भारत अथवा प्रतिभावक बुद्धिमान पुरुष है, भारत शब्द का दोनों अर्थ टीकाकारों ने किया, तो सुख दुख तो आते रहे, विषय की धारा बढ़ती रहे, परंतु उसमें ये सुख हमेशा बना रहे, ये दुख मेरे पास कभी नहीं आ रहे, इस प्रकार का संजन जो चिपकना ये ना हो। हवा चल रही है, कभी गर्म है कभी ठंडी है, धूप पड़ रही है कभी तेज पड़ी कभी मंद पड़ी, कभी रात आई कभी दिन आई, संसार के किसी को और छोड़ने का आग्रह छूट गया। अब क्या हुआ, तो अपने आप में निवृत्ति निष्ठा हो गई अथवा उपरांता हो गई। तो यहाँ मुख्य सुख नहीं है, बिंदत्यात्मन जब सुखम, ये उपरति रूप सुख है। संसार से आराम करो, विश्राम लो संसार से और उपराम हो जाओ, ये लक्षण हो और फिर राम रहे। आराम, उपराम और राम, तो बिंदत्यात्मन जब सुखम निवृत्ति निष्ठा उपरत। अब जब प्रपंच में आग्रह दुराग्रह नहीं रहा, सदाग्रह दुराग्रह भी नहीं रहा और निवृत्ति में निष्ठा हो गई, तो स्वयं ब्रह्म योग युक्तात्मा भवति। जो उपराम होगा निवृत्त होगा वही ब्रह्म योग युक्तात्मा होगा, और जब ब्रह्मयोग युक्त आत्मा होगा तब उसको अक्षय अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। तो तीन बात कही गई, बाह्य स्तर में असक्तात्मा उपरति और आत्मनिष्ठा, और उसके बाद अद्वितीय ब्रह्मत्व का बोध। आत्मनिष्ठा मध्यवर्तिनी है, संसार से उपरत होना और ब्रह्म का ब्रह्मत्व न आत्मा का साक्षात्कार न हो। ये गीता का जो ब्रह्म योग है ये कोई योगियों के ब्रह्म योग के समान नहीं है, क्योंकि योगियों के यहां तो ब्रह्म शब्द ही नहीं है। योग दर्शन में ब्रह्म से कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल वृत्तियों का निरोध करके केवल दृष्टा के रूप में सुख होते हैं। तो यदि वहां दुख की निवृत्ति सुख को माना जाए, तो साव आवरूप सुख माना जाए, तो न्याय वैशेषिक में तो मुक्त नहीं है, बहुत ही गौण है, क्योंकि वहां सुख दुख गुण है। और जैसा सांख्य और योग में आत्मा दृष्टा होता है वैसा न्याय वैशेषिक में दृष्टा भी नहीं होता है,
प्रत्यक्ष ज्ञान है, ज्ञान भी गुण ही है, परंतु यहाँ जो बिंदत्य आत्मनि जत सुखम है, वहाँ दुखाभाव रूप सुख है, परंतु अद्वितीयता का बोध न होने से उस पर परिच्छिन्नता की भ्रांति का जो प्रकोप है वो होता रहेगा। इसलिए जब वो ब्रह्मयोग युक्त आत्मा हो जाएगा तब उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। तो छठे अध्याय में सुखम आत्यंतिकं जत्तत् और सुखम अत्यंतम अश्नुते, अत्यंतम सुखम अश्नुते और सुखम मक्षज्यम अश्नुते, आत्यंतिक सुख, अक्षय सुख, अत्यंत सुख करके एक उस अवस्था की ओर संकेत किया गया है जो उपनिषदों में ब्रह्मामृत के नाम से रसो वै सह आनंदो ब्रह्म इति जानात, सुख भूमा जो वै भूमा तत् सुखम, तमेवं विद्वान अमृत यह भवति, अमृतत्व सुख आनंद रस के नाम से जिसका संकेत किया गया है। और अक्षय और अत्यंत कहने का अभिप्राय हुआ कि काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, देश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ेगा और द्वैत द्वैत से निर्मुक्त ये सुख होगा। और अश्नुते क्रियापद जो है वो अश्नाति के अर्थ में नहीं है कि सुख का भोग करेगा, व्याप्ति के अर्थ में है, सुख स्वरूपमेव भवति, वो सुख ही हो जाता है, वो स्वयं सुख है। एतस्य आनंदस्य सर्वाणि भूतानि मात्रा उपजीवन्ति, उसी के पादार्थ में से दूसरी वस्तुओं में सुख का अनुभव होता है, ये साक्षात परमात्मा से एक हो जाता है। तो बाह्य स्पर्शेश्वसक का आत्मा बिंदत्य आत्मनि जत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय अश्नुते। सरस्वती के तीन भेद बताए, सत्याहम, सवैवाहम और स्वमेवाहम। भगवान, इन तीनों का जरूर ज्ञान है, क्या ये शक्ति का क्रमिक विकास है या प्रत्येक भेद अपने आप में स्वतंत्र है? असल में भक्त लोग इसको भक्ति नहीं कहते, विदन्ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योग्य श्रूयति। अभक्त को तो ये बताने योग्य ही नहीं है, अभक्त इसका अधिकारी नहीं है, अर्थात भगवान का भक्त इसका अधिकारी है। पहली बात पहले शरणागति जो है, पहले ईश्वर पर पूरा विश्वास हो, ईश्वर सर्वज्ञ है ये विश्वास हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति है ये विश्वास हो, सर्वाशक्तो यस्य सर्वशक्ति है और परम दयालु है ये विश्वास हो, और ये समझ करके मन मनाभव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोशिन। अब जब मनमना मदभक्त मदजाजी माम नमस्कुरु हो गया तो अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को जो उपदेश करना चाहिए ये तो वो है जिसको भगवान कह सकते हैं कदम तरे आ जाइए, ये सबसे नहीं बोलते हैं कदम तरे आ जाइयो कटीरे काजर वाली ही आप बोलते हैं। ये तो जो भगवान का बहुत आत्मीय भक्त है उसके प्रति ये अंतिम उपदेश है, चरम उपदेश है,
सर्वधर्मान परित्यज्य कोई ऐसा बिना बिना गीतोक्त धर्मानुष्ठान किए, बिना गीतोक्त योगानुष्ठान किए, बिना गीतोक्त भजन किए, अरे गहरे नथु खैरे के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य ये उपदेश नहीं किया गया है, ये ध्यान में रहना चाहिए। इसी की टीका में श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ किया है धर्मान परित्यज्य नहीं, आज सर्वधर्मान आश्रयत्वेन परित्यज्य। आश्रयत्वेन परित्यज्य का अर्थ है कि आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी धर्म का पालन कीजिए, आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए, आप वानप्रस्थ हैं तो वानप्रस्थ धर्म का पालन कीजिए, सन्यासी हैं तो सन्यास धर्म का पालन कीजिए, परंतु उनको आश्रयत्व न स्वीकार मत कीजिए कि ये धर्म ही हमारे द्वारा जो अनुष्ठित ब्रह्मचर्यादि रूप धर्म है इन्हीं से हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा अपने मन में मत रखिए कि हमारे कर्तृत्व पूर्वक अनुष्ठित जो ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य आदि धर्म है ये हमारा कल्याण करेंगे, धर्म पर विश्वास मत कीजिए, वो माम एकम शरणम व्रज, धर्म का फलदाता जो परमेश्वर है, धर्म का प्रेरक, धर्म का निर्वाह और धर्म का फलदाता, धर्म की पराकाष्ठा, अंतिम गति जो परमेश्वर है, हमारा कल्याण तो होगा परमेश्वर की कृपा से, धर्म का पालन करता रहे और धर्म के प्रेरक निर्वाहक और फलदाता भगवान का आश्रय रखे। उस आश्रय में तीन भेद किए हमको ये श्लोक जो बोला गया है, तस्यैवाहम ममासौ च त्वमेवाहम इति त्रिधा, त्वैवाहम की जगह उनको ममासौ का स्फुरण होता है, तस्यैवाहम त्वैवाहम त्वमेवाहम इति त्रिधा, तो साठ भेद हो सकता है, सत्य में परमात्मा परोक्ष है और मैं उसका हूँ शरणागति का ये रूप है, और तवैवाहम है तो शरणागति में है क्या, भक्ति में संबंध का बोध नहीं है, आत्मत्वेन भी भक्ति हो सकती है, परमात्मत्वेन भक्ति हो सकती है, तटस्थतया भी भक्ति हो सकती है, परंतु ये जो शरणागति है इसमें संबंध का बोध मुख्य है, तस्यैवाहम मैं उसका हूँ स्वशेषी अहम शेषा, ऐसे ठीक है, वो शेषी है मैं शेष हूँ, वो नियामक है मैं नियम में हूँ, वो आश्रय है मैं आश्रित हूँ, वो उपजीव्य है मैं उपजीवक हूँ, तस्यैवाहम तस्यैव अदृष्ट से यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिवीं यमयति तस्य, मैं उसका हूँ उसका अंश हूँ उसका अंश हूँ उसका नियम हूँ उसका आश्रित हूँ उसका शेष हूँ। अब तवैवाहम में जो प्रत्यक्ष परोक्षता थी परमात्मा की वो हट गई, अब हो गया अपरोक्ष, अपने हृदय में दिख रहा है, तो प्रथम पुरुष से मध्यम पुरुष में आ गया, ममई वास्तव हमको स्मरण है, मैं उसका हूँ और वह मेरा है, अपने ममत्व का स्थापन ये ममासव है। इसके लिए उन्होंने तीन उदाहरण भी दिए हैं मधुसूदन सरस्वती ने, जहाँ तक मुझे स्मरण है, सत्यपि भेदापद में नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्व समुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग, और हस्त मुत्क्षिप्त जातो सी गलात कृष्ण किम अद्भुतम हृदयात यदि निर्जाति पौरुषम गणयामि से, एक श्लोक और है,
तीन श्लोकों का उदाहरण देकर के शरणागति के लिए सकल अमिदम अहम च वासुदेव, विष्णु पुराण का ये तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया है। हमको तो मधुसूदनी पढ़े भाई बहुत दिन हो गए हैं, तो ग्रंथ में कोई शंका हो तो वो पूछ लेना चाहिए। तो मैं उसका हूँ वो दूर हुआ परोक्ष हुआ, मैं तुम्हारा हूँ ये मध्यम पुरुष हुआ, और ममासौचो में भी बिल्कुल अपरोक्ष है परमात्मा, और त्वमेवाहम में तो साक्षात अपरोक्ष है, क्योंकि सकल विदम हम च वासुदेवा। ये मधुसूदन सरस्वती जी अपूर्व वैदक भी है कि शरण शब्द को ज्यों का त्यों रखते हुए ही उस शब्द में कोई परिवर्तन किए बिना उसी का बहिरंग अंतरंग और परम अंतरंग भेद करके शरणार्थी शरणागति का संपूर्ण अर्थ है माम एकम शरणम व्रज अर्थात त्वमेवाहम इति अंततः अनुभव, अंत में तुम ये अनुभव करो कि परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अत्यंत चातुर्य के साथ उन्होंने भक्ति भावना और शरणागति की भावना जो महापुरुषों ने रखी थी, सवैवाहम सवैवाहम में आगे विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के और द्वैताद्वैत संप्रदाय के सब, और ममासव में अचिंत भेदाभेद संप्रदाय के जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हैं, ममासव में सबका समावेश हो गया। ये मेरा है, मेरा सखा है, मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरा प्रियतम है, ममासव से भक्ति मार्ग के सब पक्षों को उन्होंने समन्वित करके और अंत में त्वमेवाहम शरण का अर्थ कर दिया। माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान अनाथ अब टीका तो अनेक प्रकार की होती है, आश्रयत्व न परित्यज उन्होंने किया है, परंतु कोई तिजोरी में बंद नहीं कर सकता, अपने आप को अनात्मा नहीं बना सकता, जो अनात्मा है वो तो परित्यक्त ही है, इसलिए परित्यज्य का अर्थ है परित्यक्तत्वेन अवबुद्ध्य। हाँ, ये हमारे अपने नहीं है, सर्वे धातव ज्ञानार्था गत्यर्था ज्ञानार्था परित्यज्य माम अहमर्थम शुद्धम अहमर्थम शुद्ध अमर्थ जो मैं हूं एकम अद्वितीय द्वित्रादिषु अनुगतम द्वितीय तृतीय आदि में जो अनुगत एक है सो एक शरणम सर्वोपसंहार स्थानम जहां सबका बाध हो जाता है, संहार के अर्थ में श्रीय धातु का प्रयोग है, जैसे शंकर जी के लिए सर्व शब्द का प्रयोग होता है। ब्रज जानी ही ब्रज गतौ गमन ज्ञान मोक्षेषु प्राप्तौ चापि गतिर्मता अहंत्वेनाभिव्यक्त अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः अविद्या तत्कार्येभ्यः मैं तुमको सब पापों से अविद्या और अविद्या के कार्य से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तत्र को मोह का शोकः एकत्वम अनुपश्यतः मा शुचः शोकम मा कार्षीहि मा शुचः तत्र को मोह का शोकः नासौ तपति किमहं साधुना कर्वम किमहं पापम अकर्वम इत्यादि समग्र उपनिषदों का जो सार है उसको भगवान ने इस गीता के श्लोक में रख दिया। अब शरणागति को आप भक्त होने के पश्चात आपकी शरणागति, शरणागति एक होती है कि हे भगवान हम तुमको इतना जप देते हैं इतना तप देते हैं इसके बदले में तुम मिल जाओ, ये कनिष्ठ शरणागति है कि हम इतना जप करते हैं इतना व्रत करते हैं इतना ध्यान करते हैं इतना धर्म पालन करते हैं। बोले नहीं, वरिष्ठ शरणागति क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं है, उपायों पे उपाय और उपेय
दोनों के एकत्व की जो संप्रतिपत्ति है त्वमेव अहम्, यही शरणागति का मुख्य रूप है। ये बात वैष्णव धर्म में भी स्वीकार की हुई है। विष्णु पुराण पर श्री रामानुजाचार्य की जो विष्णु चित्ती व्याख्या है उसको पढ़ लें। सकल अमिदम अहम् च वासुदेवा, ये संपूर्ण विश्व सृष्टि और मैं, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य जब प्रारंभ किया तो सकल अमिदम अहम् च वासुदेवा से ही आरंभ किया। ओ विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, श्रीमद्भागवत में है। पुरुष विशेष ईश्वर कहते हैं योगी देव। अब जितने भी आकार थे उनका धाम तो वही होगा, उसी में उदय होंगे, उसी में खेलेंगे और उसी में अंतर्धान भी हो जाएंगे। ये जो पुरुष विशेष है वही विशुद्ध प्रकृति अंश में धाम है और वही विशुद्ध प्रकृति से अत्यंत सन्निहित अयुत सिद्ध विशेषण के रूप में जो सत्वांश है उसको ईश्वर कहते हैं। निमित्तता और उपादानता दोनों उस विशुद्ध सत्व में ही होते हैं। तो धाम अपूर्व मिश्रण है स्वयं प्रकाशता और अधिष्ठान का। अधिष्ठान माने रहने की जगह और स्वयं प्रकाश माने दिखाने वाला। यदि सूर्य और आकाश ये दोनों हो तो आकाश में कोई वस्तु हो और सूर्य इसको प्रकाशित करे, परंतु वो धाम ऐसा तत्व है जो सूर्य भी है और आकाश भी है, तो वही एक रूप में वहाँ धामी होकर रहता है और वही धाम में विहार भी करता है। तो ये भक्त लोग जो अपनी भावना से अपने अपने इष्ट देव में ब्रह्म बुद्धि करते हैं वो तो शास्त्रीय है ही, मूलतः ईश्वर एक और उसका धाम भी सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, विशुद्ध सत्वात्मक वसुदेव ही उसका धाम है। वही उत्पादक पिता भी है और वही ये जितने अवतार आदि होते हैं। तो दिव्य देश के विशेषण से मूल वस्तु को चाहे वो शुद्ध सत्व हो चाहे चित्त हो धाम कहते हैं, अधिकरण की दृष्टि से धाम कहते हैं और धामी की दृष्टि से पुरुष की दृष्टि से उसको ईश्वर कहते हैं। ये है कि वेदांतियों के अद्वैत चित्त के साथ इसका कोई मिलान न करके योग में जैसे ईश्वर को माना जाता है उसी रीति से मानना चाहिए। और धाम की महिमा तो ये बताते हैं कि धाम केवल अपने स्थान पर स्थित रहता है अधिष्ठान रूप में। इसमें यदि किसी का शरीर छूट जाए तो माटी माटी में मिल गई, अब इसके फिर बाहर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु यदि भक्त यहाँ से बाहर जाता है तो धाम नहीं जाएगा तो भगवान का नाम साथ जाएगा, और यदि वापस नाम भी ना हो तो हृदय में रुक जाएगा। तो भगवान का नाम धाम रूप और लीलास्थली, धाम लीलास्थली भी है, रूपस्थली भी और नाम का उत्तेजक भी है। और ये सामान्य जड़ धाम नहीं है, इसमें जड़ता गौण है और चित्त प्रचुर ये स्थान होता है, इसी से इसमें नाम रूप के दर्शन होते हैं। एक बार पंडित भगीरथ झा जी से, न्याय वेदांत के आचार्य थे, बार संप्रदाय थे, बहुत बड़े विद्वान थे अपने समय पर, भगवत तत्व समीक्षा आदि ग्रंथ उन्होंने देखे, रोज मैं बुलाता था उनको ब्रह्मसूत्र उनके सूत्र, वो धाम की महिमा सुना रहे थे। तो धाम से बड़ा धामी होता है ये प्रतिपादन कर रहे। जैसे एक मकान बहुत बड़ा हो
और उसका मालिक तो छोटा सा होता है, उसमें रहता है। ऐसे धाम तो भगवान का बहुत बड़ा है, और धामी जो भगवान श्री कृष्ण है वो पुरुषभानुनंदिनी के साथ हंसते खेलते बोलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि स्वामी यदि जड़ धाम हो तब तो उसका धामी होना संभव है, परंतु यदि चित वस्तु ही धाम हो तो उसमें धाम और धामी का भेद कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि ये भगवत संकल्प ही है कि स्वयं वो एक रूप में धाम होके और स्वयं एक रूप में धामी होकर के विहार करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रह्म है वो कोई निर्गुण ब्रह्म नहीं है, द्वैताद्वैत रूप ब्रह्म है। तो द्वैताद्वैत विविधता जो द्वैविध्य है ये भी सगुणता ही है। ये प्राकृत सगुणता भले न हो लेकिन चिदगत सगुणता तो है ही, इसलिए एक ही भगवान अपने संकल्प से धामी और धाम बनते हैं, और धाम में जो चित वस्तु है वो प्रकाशात्मक है और जो उसमें सद वस्तु है वो अधिष्ठानात्मक है। ये दोनों मिल करके भक्तों को परमानंद देते हैं। और यहाँ वेदांतियों की या योगियों की कैवल्य मुक्ति के साथ इसका कोई संबंध घटित नहीं होता है। ये सगुण तत्व स्वयं अपने में सर्वथा स्वतंत्र है और भक्ति एक ग्राह्य है। और वेदांत की दृष्टि से तो महाराज सब इधर से ही होता है, उधर से कुछ नहीं होता है। जिससे हमें जो भी दिखाई देता है समझ में आता है सब सब केवल मैं ही सत्य हूँ। तो प्रश्न है भगवान पर आपके जो दर्शन होते हैं ये बहुत दूर से नासिक से आए। ऐसा है कि ये ईश्वर न प्रत्यक्ष का विषय है और न तो अनुमान का, तर्क से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। तो जब कोई ईश्वर का दर्शनार्थी श्रद्धालु शास्त्र सत संप्रदाय के अनुयायी शास्त्रोक्त गुरु के पास जाता है तो वो उसके हृदय में जैसे पति पत्नी के हृदय में गर्भाधान करता है, इसी प्रकार वो अपने शिष्य के हृदय में अपने भाव से भगवान का गर्भाधान करता है। अब जानते हैं जैसा पति होगा जैसी पत्नी होगी उसके अनुरूप हृदय में पुत्र उत्पन्न होगा। जन्म जन्म का श्रुत भी हो सकता है, इस जन्म का श्रुत भी हो सकता है। तो अंतःकरण में हमारे अंतःकरण में ही हमारे आकार बन जाता है, एक भक्त का और एक भगवान का। तो वो दिखता तो है उसी दिव्य दृष्टि से, ये आंख जो है चाम की जो आंख है इसमें तो कुछ देखने की शक्ति नहीं है, रूप मात्र को ही ये ग्रहण करते हैं, परंतु ये सन्यासी है इसको आंख ग्रहण नहीं करते हैं। और ये माता है ये भी इस आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, माता तो मनोमयी होती है। पिता भी इस आंख से नहीं दिखाई पड़ते हैं, भाई बंधु पुत्र भी इस आंख से नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जिस आंख से स्त्री होने पर भी माता आपको माता दिखती है, जिस आंख से आपका पिता एक पुरुष होने पर भी पिता दिखता है, जिस आंख से आपको एक शालग्राम की शिला विष्णु रूप में दिखती है, वही आंख जब शास्त्र सत्संप्रदाय और सद्गुरु के द्वारा आपके अंतःकरण में आहित होता है तो आपके अंतःकरण का रूप वही बन जाता है। और चेतन तो होता ही नहीं, एक चेतन आपके अंतःकरण में हो करके देख रहा है और एक वही चेतन उस आकार में रह करके आपको तदाकार के रूप में दिख रहा है। तो यदि आपने सद्गुरु की आज्ञा अनुसार मंत्र के जप का करके
और प्रभु का ध्यान किया है और उसकी आकृति बन गई है। यदि आपको अपने हृदय में भगवान की आकृति दिखने लगी है तो जो आंख भीतर देखती है वही आंख बाहर भी देखती है और बाहर भी भगवान का दर्शन होता है। आप सूर्य को, तुलसी को, मीरा को, अनुजाचार्य को जो भगवान का दर्शन हुआ है, वल्लभाचार्य को जो भगवान का दर्शन हुआ है, वो बिल्कुल चुटकी से उड़ा नहीं सकते हैं। वो बहुत घनिष्ठ दर्शन होता है और जितना आपका तादाद में होगा, आप अपने को जिस रूप में देख सकते हैं अंतकरण में रहकर, उससे भी ठोस रूप में अपने अंतकरण में आए हुए उस आकार में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, बाहर भी भीतर भी, क्योंकि उसमें केवल आपकी कल्पना का ही बल नहीं है, सद्गुरु की परंपरा का बल है, सत संप्रदाय का बल है, शास्त्र का बल है और साथ ही सगुण भगवान के अनुग्रह का बल है। भगवान जब तक आप प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व को माने आत्मा से अभिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेंगे, तब तक सगुण भगवान आपके ऊपर अनुग्रह करते रहेंगे और साक्षात्कार कर देने के बाद भी यदि आपकी उपासना के संस्कार शेष हैं तो तब भी वे बारंबार अनुग्रह करेंगे, आपसे मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे। यदि ये संसार सच्चा है और इसमें आप माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, सखा को अपनी आंखों से दृश्य मानते हैं तो आपको भगवान को भी दृश्य मानना ही युक्तियुक्त है और भगवान का वो दर्शन हमारे लिए एक बड़े काम की चीज होता है। जैसे हम अपने मन की शक्ति अस्य आवश्यकता करके श्रुति में वर्णन है कि हम तीन जगह रहते हैं, जागृत ये हमारा कर्म ऑफिस है और स्वप्न हमारा प्रयोग ऑफिस है, निर्माण ऑफिस है, और सुषुप्ति हमारा विश्राम ऑफिस है। तो हमारे अंदर क्या क्या निर्माण करने का सामर्थ्य है, क्या क्या ज्ञान है, क्या क्या युक्ति है, मन उसका नमूना स्वप्न में एक दिखा देता है। वहाँ न रथ होता है, न रथ योग होते हैं, न पंथ होते हैं, हमारा मन वहाँ स्वच्छंदता से चाहे जो कुछ गढ़ के दिखा देता है। यदि उसी मन को आप शास्त्र और सत संप्रदाय और सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार गढ़ लें तो वो सगुण भगवान के प्रकट होने के आविर्भाव के योग्य हो जाता है। और ये जो बाहर भीतर का भेद है कि हम अपने शरीर से सवा हाथ दूर और धरती से सवा हाथ ऊपर और सवा हाथ के भगवान को देख रहे हैं, वो भी आप भीतर की ही आंख से देखते हैं, बाहर की आंख से नहीं देखते हैं। इसलिए चाम की आंख को बहुत महत्व मत दीजिए, ये तो कुछ देखती ही नहीं है। चाम की आंख तो न माता को देखे, न पिता को देखे, न पुत्र को देखे, ये मांस के पुतलों को जाते आते घूमते फिरते ये आंख दिखाती रहती है। जब ये भावयुक्त होती है, इधर भक्त की श्रद्धा और उधर भगवान का अनुग्रह दोनों आकर के जब मिलते हैं तब भगवान का दर्शन होता है। और यदि आपका चित्त सर्वथा अतृप्त हो और केवल विचार के अनुरूप ही परमात्मा का दर्शन चाहते हो तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको भगवान का दर्शन हो ही। भगवान ऐसे सबको अहरे गहरे को दर्शन नहीं देते हैं, जिसके हृदय में बड़ी श्रद्धा भक्ति होती है उसके ऊपर अनुग्रह करके दर्शन देते हैं। भगवान का दर्शन कोई छोटी चीज नहीं है, आप में संपूर्ण विश्व के निर्माण का और यहाँ तक कि विश्वात्मा के निर्माण का भी सामर्थ्य है। ये बात आप समझिए, आप क्यों डरते हैं कि सगुण भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, जब आप इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा विराट आप बनाकर देख रहे हैं वेदांत की दृष्टि से,
जब आप इतना बड़ा हिरण्यगर्भ बना करके देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, जब आप इतना बड़ा अंतर्यामी परमेश्वर प्राज्ञ बना करके देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, तो आप राम कृष्ण आदि की साकार मूर्ति को नहीं देख सकते। ये तो अपने प्रति आपकी बहुत तुच्छता का भाव हुआ, ब्रह्म का भाव क्यों नहीं हुआ? आपको तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम कहें हे अंतर्यामी ईश्वर आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ, तब आपकी आज्ञा से अंतर्यामी ईश्वर आकर के आपके सामने खड़ा हो जाए। इसलिए वेदांत की दृष्टि से जो सगुण साकार का अपमान करते हैं, वो केवल अपने को देह में बैठा करके, देह रूप हो करके, देह की दृष्टि से ही वे बकते हैं कि कोई साकार नहीं है और कोई निराकार नहीं है और कोई दर्शन नहीं होता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि जब सारी सृष्टि आपकी बनाई हुई और आपको फंसाने वाली है, तो उसमें उस सृष्टि से छुड़ाने वाला एक ईश्वर यदि आप बना दें और उसमें ईश्वर का सगुण ईश्वर का अनुग्रह हो जाए, तो वो आपके सामर्थ्य का, शक्ति का, स्वरूप का परिचायक होगा और वो कह देगा, अरे बाबा, कह देगा, पिताजी पिताजी तुम ही ब्रह्म हो, हमको तो तुम प्रेम से उपदेश कर रहे हो, जैसे कि श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव से कहा। देवकी वसुदेव ने कहा, हे श्री कृष्ण तुम ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पिताजी, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तुम ब्रह्म हो, ये माता जी ब्रह्म है, ये संपूर्ण द्वारका भाषी ब्रह्म है और ये सब चराचर विश्व सृष्टि ब्रह्म है। जब आपके सामने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान भगवान आकर के प्रकट होंगे, तो यदि आपको मालूम भी नहीं होगा कि मैं क्या हूँ, तो वो मालूम करा के जाएंगे। इसलिए साकार भगवान का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ओ oh।